हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, IBPS RRB क्लरिकल की जो मॉक टेस्ट है उनके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि लास्ट वीडियो में अपने IBPS RRB जो PU है उसकी बात की थी, क्योंकि PU की स्ट्रेटेजी अलग रहती है, उसकी कट ऑफ 65 तक ही रहती है 80 में से। अब क्लरिकल की अगर मैं बात करूँ तो क्लरिकल का जो कट ऑफ है वो कहीं की मान के चलो कि 70 से तो ऊपर ही जाता है हर स्टेट का। अगर जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ 70 से लेके 78, 79 यहाँ तक कट ऑफ जाते हैं। तो अब हर कोई बोलेगा कि 80 में से 80 करके आओ, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो कुछ एक सच्चाई मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि 80 में से 80 करने वालों का ही सिलेक्शन होता है या कम करने वालों का भी सिलेक्शन होता है। पहले मॉक टेस्ट के बारे में बात करते हैं। देखो, मॉक टेस्ट में आपका स्कोर अगर 70 या उससे ऊपर आ रहा है, परसेंटाइल आपका अच्छा है, आपकी एक्यूरेसी जो वो अच्छी है, तो डेफिनेटली आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के अंदर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और अच्छे अटेम्प्ट आपके होंगे। बाकी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए अर्थमेटिक के, DI के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, नंबर सीरीज के, सिंप्लीफिकेशन के, पजल्स पे आपकी कमांड होनी चाहिए। और क्लेरिकल के अंदर एक जो सीरीज वाला पोर्शन भी आता है, जो 5 नंबर का इक्वेशन आता है, जिसमें आपकी अल्फाबेट सीरीज आती है, कभी आपकी अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज आती है, कभी न्यूमेरिकल ओनली नंबर वाली सीरीज आती है, तो उन पे भी कमांड आपकी होनी चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें गलती के चांस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि माइनर मिस्टेक वहां पे होती है, तो वो चीज आप ध्यान रखें। बाकी अगर 80 में से 80 करके ही अगर एग्जाम पास होता तो बहुत सारे स्टूडेंट मैंने लास्ट ईयर में देखे हैं जिन्होंने 80 में से 80 अटेम्प्ट किए थे एग्जाम के अंदर, पर उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ था। एक मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि मैंने खुद एग्जाम दिया था, शायद 2019 के अंदर एग्जाम दिया था। उसका स्कोर कार्ड मैं आपको शेयर कर दूंगा उसका, तो टेलीग्राम पे आप नेशनल कनेक्टेड हो सकते हो। तो उसमें मेरे अटेम्प्ट से 68 IBPS RRB क्लरिकल राजस्थान जनरल से 68 अटेम्प्ट थे, और जो मेरे मार्क्स आए थे वो आए थे 78.75। अब आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है। देखो, जो हमारी शिफ्ट थी ना, लास्ट डे लास्ट शिफ्ट थी, और वो शिफ्ट हार्ड थी, यानी उसमें क्वेश्चन इतने बन रहे थे, PU लेवल का एग्जाम था वो, तो उसमें क्वेश्चन ही इतने बना सकते थे आप लिमिटेड टाइम के अंदर। तो मेरे 68 जो क्वेश्चन थे वो 100% एक्यूरेट थे, 100% एक्यूरेट थे, उनमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था। तो मेरे जो मार्क्स आए थे वो 78.75 आए थे। आप खुद देख सकते हो कि 10 से ज्यादा नंबर बढ़ के आए हैं। तो अब वो लोग बोलेंगे सर 80 में से 80 करनी है, 80 में से 80 नहीं करनी है, आपको एक्यूरेसी के साथ करनी है। अब आपकी अगर सिफ्ट इजी है तो आप 80 में से 80 करके ले जाओगे, पर एक्यूरेसी वहां पे आपके 100% होनी चाहिए। आपकी सिफ्ट हार्ड है, आप 75 करके आ रहे हो, पर आपकी एक्यूरेसी 100% है, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, यानी गलती का चांस नहीं है। अगर गलत करोगे तो डेफिनेटली बाहर हो जाओगे। ये चीज होती है IBPS RRB क्लरिकल में, जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है वो बहुत ज्यादा लगता है। और लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट है जिनसे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने उनके भी मार्क्स कहीं के 5, 7, 10 बढ़ के आए हैं। अगर आप 100% एक्यूरेट करोगे तो मार्क्स आपके बढ़ के आएंगे, ये चीज ध्यान रखो। अगर आपके 2 या 3 भी गलत करोगे, चाहे आप 80 कर लेना, सिलेक्शन नहीं होगा। तो RRB क्लरिकल की ये सच्चाई है। तो अब आप खुद देख लो कि 80 करनी है या एक्यूरेसी के साथ मेरे को 77 ही करनी है, वो आप पे डिपेंड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बाकी बेस्ट सोर्सेज के लिंक जो डिस्क्रिप्शन में लगे हुए हैं।